हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यवतमल GCOEY। आपको इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड पूरे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक कॉलेज का कट ऑफ क्या था, प्लेसमेंट, फीस स्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, हॉस्टल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कॉलेज का एस्टैब्लिश 2018 में हुआ था, अभी एकदम नया कॉलेज है। अब कॉलेज के नेम की बात करें तो कॉलेज का पूरा नाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यवतमल है। कॉलेज का लोकेशन देख लें तो पोस्ट बॉक्स नंबर 24, दमनगांव रोड, यवतमल, 4,45,001 है। अब कॉलेज के स्टेटस की बात करें तो कॉलेज गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है, जो कि अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली से, रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, एंड एफिलेटेड बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनेरे से। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इस कॉलेज को ट्रिपल ए ग्रेड मिला हुआ है। अब अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉलेज के वेबसाइट पर भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ दी हुई है www.gcoeyac.in। अब नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो नागपुर एयरपोर्ट है, जो कि 150 किलोमीटर की दूरी पे है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो दमनगांव रेलवे स्टेशन है, जो कि 45 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट बस स्टैंड की बात करें तो यवतमल है, 2 किलोमीटर की दूरी पे। अब कॉलेज के DTA कोड की बात करें तो 1012 है। कोर्सेज़ की बात करें तो हमें कॉलेज BTech की डिग्री प्रोवाइड करता है। BTech में हमें सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 60 सीटें हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 60 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिल जाता है, जिसमें 60 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 60 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 60 सीटें हैं। अब कट ऑफ देख लेते हैं इस कॉलेज का, तो यहाँ पे MSCET 2020 and 2021 का कट ऑफ दिया हुआ है, जो कि परसेंटाइल में। सभी ब्रांच का हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेते हैं तो सिविल का ओपन का कट ऑफ 76.76 परसेंटाइल था, OBC का 75.09 परसेंटाइल था, SC का 71.56 परसेंटाइल था, ST का 55.71 परसेंटाइल था, EWS का 68.00 परसेंटाइल था, एंड TOWS का 80.13 परसेंटाइल गया था। कंप्यूटर ब्रांच की बात करें तो ओपन का कट ऑफ 88.36 परसेंटाइल था, OBC का 87.56 परसेंटाइल था, SC का 84.7 परसेंटाइल था, ST का 46.78 परसेंटाइल था, EWS का 83.13 परसेंटाइल था, एंड TOWS का 88.36 परसेंटाइल था। अब EXTC की बात करें तो ओपन का कट ऑफ 77.35 था, OBC का 76.73 परसेंटाइल था, SC का 68.46 परसेंटाइल था, ST का 56.68 परसेंटाइल था, EWS का 64 परसेंटाइल था, एंड TOWS का 78.99 परसेंटाइल था। अब इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ओपन का कट ऑफ 77.45 परसेंटाइल गया था, OBC का 74.38 परसेंटाइल गया था, SC का 69.79 परसेंटाइल गया था, ST का 14.37 परसेंटाइल गया था, EWS का 59.38 परसेंटाइल गया था, एंड TOWS का 77.96 परसेंटाइल गया था। अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन का कट ऑफ 76.39 था, OBC का 73.85 था, SC का 73.95 था, ST का 73.14 था, EWS का 65.28 था, TOWS का 82.25 था। ये नया कॉलेज है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ इतना हाई नहीं है। इस कॉलेज में हमें कंप्यूटर ब्रांच में एडमिशन के लिए अराउंड 90 परसेंटाइल तो चाहिए, और कोर ब्रांच के लिए अराउंड 85 और 80 के बीच में हमें परसेंटाइल चाहिए, जब इस कॉलेज में हमको एडमिशन मिल पाएगा। अब फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉलेज का ट्यूशन फीस 15,000 है, डेवलपमेंट फीस 5,000 है, यूनिवर्सिटी अंदर फीस 3,700 है, टोटल फीस देखें तो 24,901 है। अब कैटेगरी वाइज सभी का फीस देख लेते हैं तो ओपन का 24,901 है, ST/ST का 4,901 है, SC/BC, OBC, VJ/NT, EWS का 9,901 है, EBC का 17,401 है, TFWS का 9,901 है। अब हॉस्टल की बात करें तो हमें यहाँ पे दो हॉस्टल मिल जाते हैं। पहला गर्ल्स हॉस्टल है, जो कि 1036 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, जिसमें इंटेक कैपेसिटी 54 स्टूडेंट की है। सेकंड बॉयज़ हॉस्टल है, 4552 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, जिसमें इंटेक कैपेसिटी 180 स्टूडेंट की है। और फैसिलिटीज़ की बात करें तो हमें यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, इन्वर्टर, वाटर कूलर हीटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, साइकिल स्टैंड, 1 मेस हॉल, गेस्ट रूम, रीडिंग रूम, जिम खाना आदि फैसिलिटीज हमें यहाँ पे इस कॉलेज में मिल जाती हैं। अब प्लेसमेंट की बात करें तो कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 9 लाख गया था, एंड एवरेज पैकेज 3 लाख गया था। ओवरऑल देखें तो एक एवरेज कॉलेज है। गवर्नमेंट होने की वजह से इस कॉलेज का फीस भी कम है, अभी नया नया एस्टैब्लिश हुआ है, इसलिए कॉलेज का कट ऑफ भी कम है। और आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो प्लीज़ ये कॉलेज में अभी ना जाइए। और वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।